राम राम मोहन, एतरे दिन खां तू किथे हुए? नमस्ते अंकल, मां जरा स्कूल जे प्रोजेक्ट्स में बिजी हुअस। प्लीज ये रखी वठो। ओह, अवां जे पीर जी दाढ़ी मेहरबानी। मां पैसन जे बिना डाडो हेल्पलेस हो। मुखे जल्द ई बिजली जो बिल भरणो हो। अवां डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज ए डिजिटल पेमेंट जी मदद सा सवलाई सा बिलन जी रकम अदायगी करे सगो था। ही इस्तेमाल करण में काफी सोगो ए सवलो आहे। मां हिन जे बारे में डाढो बुधो आहे, कृपया हिन जे बारे में विस्तार में समझायो। बुधण में तो हे इलाही इंटरेस्टिंग तो लगे। जरूर रोहन। डिजिटल पेमेंट ए ई पेमेंट डिजिटल औजार जी त मोबाइल फोन ए कंप्यूटर जे जरिए सा एक रकम अदायगी खाते सा बी में पैसा ट्रांसफर करण जो जरियो आहे। हिन जरिए के कैश पेमेंट जे मुताबिक बेहतर पेमेंट जो तरीको मन्यो वयो आहे, छोजे ही घणो ही सवलो तरीको आहे, छोजे इन में माण्हुनि खे काफी घट पैसनि जी जरूरत पवंदी आहे। ऐं बियो त रुगो मोबाइल फोन, आधार नंबर या वरी कंहिं कार्ड जी जरूरत थींदी आहे। असां यूपीआई एप्स, यूएसएसडी या ई वैलेट जहिड़ा हमेशा हलंदर रकम अदायगी जे ज़रिए किथे बि कॾहिं बि रकम जी अदायगी सवलाई सां करे सघूं था। सरकार पारां डिजिटल पेमेंट खे हिमथाइण लाइ रकम अदायगी ते वॾे पैमाने ते रियायत मिली रही आहे, जीअं त 2000 रुपयनि ताईं जी सेवा ढल रकम अदायगी डिजिटल मोड सां करण ते पूरी रियायत जो फ़ाइदो मिलंदो। इन खां सवाइ ईंधन भरण ते 0.75% जी रियायत ऐं सरकारी बीमा कंपनियुनि जे बीमा प्रीमियम ते 10% जी रियायत बि ॾिनी वेंदी आहे। डिजिटल रकम अदायगी जे तरीक़नि जे बावजूद लेन देन जो ब्योरो तफ़सील जो रिकॉर्ड खुदि ब खुदि तरीक़े सां रखियो वेंदो। डिजिटल रकम अदायगी जी ॻाल्हि कयूं त इन में घटि जोखिम खां न जोखिम जे बराबरि आहे। मोबाइल वैलेट में बि घटि जोखिम हूंदो आहे, ऐं जेकॾहिं फोन खे अनलॉक या खोलण लाइ पासवर्ड यादि न हुजे, कार्ड पिन जे बिना कम न कंदा। जेकॾहिं इहो थियो त कुझ ई देर में कार्ड ब्लॉक थी वेंदो। APS खे असांजी आङरियुनि जे निशान जी ज़रूरत हूंदी आहे। इन करे खीसे में घणा पैसा रखण जे जोखिम खां तव्हां बची सघो था। हलो हाणे असीं डिजिटल रकम अदायगी जे ज़रूरी तरीक़नि जी चर्चा था कयूं। उहे आहिनि कार्ड्स, POS, USSD, ई वैलेट ऐं AEPS। हाणे हिकु करे हिन रकम अदायगी जे तरीक़नि जी सही ॼाण वठूं था। कार्ड्स टे तरह जा हूंदा आहिनि, जेके आमतौर ते बैंकनि पारां जोड़िया हूंदा आहिनि। प्रीपेड कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स ऐं क्रेडिट कार्ड्स। प्रीपेड कार्ड्स जो इस्तेमालु सीमित राशिअ जे लाइ थींदो आहे, जीअं पैसा कढणु, मोबाइल रीचार्ज करणु। ही ग्राहक जे बैंक खाते मां प्री लोड कया वेंदा आहिनि। डेबिट कार्ड्स बैंक अकाउंट खां जुड़ियल हूंदा आहिनि। ही बैंक पारां चालू, बचत ऐं ओवरड्राफ्ट खातेदार खे जारी कंदा आहिनि। हे कार्ड बैंक अकाउंट जे मौजूदा सीमा जे आधार ते कैश जे विड्रॉल ऐं सामान जी आमू साम्हूं ख़रीदारी या वरी ऑनलाइन ख़रीदारी जे इस्तेमाल में ईंदो आहे। इन जो इस्तेमाल हिकु माण्हूअ सां ॿिए खे डोमेस्टिक यानी घरेलू फंड ट्रांसफर लाइ करे सघिजे थो। भारतीय रिज़र्व बैंक पारां मंज़ूर थियल बैंकूं
ऐं ॿियनि संस्थाउनि पारां क्रेडिट कार्ड जारी कयो वेंदो आहे। घणो करे क्रेडिट कार्ड वटि हिकु नगद अॻूणो अख़्तियार आहे जेको कार्ड होल्डर्स खे क्रेडिट कार्ड मां पैसा कढण जी इजाज़त ॾिए थो। पर इन जो इस्तेमाल करण वक़्तु कुझु ॻाल्हियुनि जो ध्यानु रखणु ज़रूरी आहे। ही थोरे वक़्त लाइ यानी शॉर्ट टर्म लोन वठण जो सभिनी खां महांगनि तरीक़नि मां हिकु आहे, छो जे कार्ड होल्डर्स खे वॾे व्याज ते पैसा वापसि करणा पवंदा आहिनि। अॼुकल्ह नगद अॻूणो यानी कैश एडवांस लाइ सरसराई तौर व्याज जी दर लॻभॻ 24% आहे। कढी वई रक़म जो लॻभॻ 3-5% फीअ जे रूप में रक़म अदायगी करणु ज़रूरी आहे। वधीक मामलनि में का बि रियायत पीरियड न ॾिनो वेंदो आहे ऐं जीअं ई नक़द कढियो वेंदो आहे उन ते व्याज जी रक़म चार्ज कई वेंदी आहे। नक़द कढणु हमेशा लॻभॻ 1 राशि ताईं सीमित हूंदो आहे जंहिंखे कैश रुपए कार्ड क्रेडिट ऐं डेबिट कार्ड जो हिंदुस्तानी रूप आहे। हे लॻभॻि अंतर्राष्ट्रीय कार्ड जीअं वीज़ा या मास्टर कार्ड जहिड़ो ही हूंदो आहे। मूं वटि इहो कार्ड आहे पर मूंखे इनखे इस्तेमालु करण कोन ईंदो आहे। एटीएम सां पैसा कढण लाइ अव्हां खे पंहिंजो डेबिट या क्रेडिट कार्ड एटीएम मशीन में विझणो हूंदो। वरी पंहिंजो 4 आकड़ुनि यानी पिन नंबर दर्ज कयो। अवी पैसा कढण जे अलावा पंहिंजी बकाया राशि भी डेबिट कार्ड जे माध्यम सां ॼाण था सघूं। छा अवी हिन कार्ड जो इस्तेमाल रिटेल शॉप ते भी करे सघूं था? हा बिल्कुल, हिन जो प्रोसेस कुझु हिन रीत आहे। डेबिट कार्ड स्टोर जे कैशियर खे ॾियो। व्यापारी POS मशीन जे पारां कार्ड खे हलाईंदो आहे ऐं ख़रीदारी जी राशि लिखंदो आहे ऐं वरी ग्राहक हे कार्ड जो पिन दर्ज कंदो आहे। ख़रीदारीअ जी राशि इस्तेमालु करण वारे जे खाते मां कटिजी वेंदी आहे। व्यापारी छपियल रसीद जी हिकु कापी उपभोगकर्ता जा हस्ताक्षर कराए पाण वटि रखंदो आहे ऐं ॿी कापी उपभोगकर्ता खे ॾींदो आहे। अंत में हाणे इन कार्ड सां मां सवली तरह बिजली पाणी ऐं टेलीफोन जा बिल भरे सघां थो। हा ज़रूर, हवाई यात्रा या ट्रेन जी टिकट बुक करण लाइ, रेस्टोरेंट्स में भुगतान करण लाइ, दुकान ते ऑनलाइन ख़रीदारी करण लाइ, एटीएम सां पैसा कढाइण लाइ ऐं ॿी ॾाढी सारी जॻह ते हिन जो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। छा अवी मूंखे POS मशीन जे बारे में विस्तार में जानकारी ॾेई सघो था? पॉइंट ऑफ सेल मशीन या POS हिकु इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आहे जेका रिटेल लोकेशन्स ते कार्ड सां भुगतान करण लाइ ही इस्तेमालु कई वेंदी आहे। POS जो कम आहे उपभोक्ता जे क्रेडिट ऐं डेबिट कार्ड जी जानकारी वठणु। उपभोक्ता जे बैंक खाते में पर्याप्त राशि आहे या न आहे हे ॾिसण। उपभोक्ता जे खाते सां विक्रेता जे खाते में राशि जो ट्रांसफर करण। ॾियण वठण जी जानकारी रखण ऐं रसीद प्रिंट करण। मोबाइल बेस्ड POS। मोबाइल ते POS यानी MPOS हिक प्री पॉइंट ऑफ सेल ऐं क्लाउड ते बीठल जो हल आहे जंहिंमें स्मार्टफोन या टैबलेट जो इस्तेमाल जो विक्रो वधाइण, इन्वेंट्री इंतज़ाम करण ऐं ग्राहक वफ़ादारीअ जे लाइ कयो वेंदो आहे। डिमोटिकेशन ड्राइव सां परचून कंदड़नि रवायती कैश रजिस्टरनि बदिरां MPOS जो इस्तेमाल शुरू कयो आहे जेको सॼो परचून कंदड़नि खे ॾिनो आहे। MPOS ते ग्राहकनि ऐं वापारियुनि खे जाती
ए आम तौर ते फायदो डियन था। एमपीओएस जे मार्फत दुकानदार दुकान में किथे भी ग्राहकन खा अदायगी वठी सगन था। ग्राहक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या डिजिटल वॉलेट जे मार्फत सा मोबाइल पीओएस डिवाइस ते सवलाई सा रकम अदायगी करे सगन था। बिनी वापारियों ए ग्राहकन के लॉयल्टी प्रोग्राम मा फायदो मिलंदो आहे जेको लगाइतो पेमेंट ट्रांजैक्शन में गड हुंदो आहे। जडे असा डिजिटल कार्ड जो इस्तेमाल कयूं था ता असा के कुछ सावधानियों रखन घुर्जे। हाँ जडे ता हिनन कार्ड्स जो इस्तेमाल कयो था त छा करणो खपे ए छा न करणो खपे हिनन ते वधिक जोर दियो। पांजे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड प्राप्त करण जे टाइम सुनिश्चित करे वठो कि स्वागत किट यानी वेलकम किट पक्की तरह सा बंद हुजे। कार्ड जे पुठियों पांजो सिग्नेचर करे वठो। पांजे क्रेडिट कार्ड के ध्यान सा रखो जिए अवी पांजा पैसा रखंदा आयो। अगर अवा पांजो क्रेडिट कार्ड गुम कर छद्दा आयो त तुरंत ही रिपोर्ट कयो। हमेशा ध्यान रखजो कि क्रेडिट कार्ड अवांजी नजरन जे सामू ही स्वाइप कयो वंजे। हिन शय जो ध्यान रखजो कि अवांजो मोबाइल नंबर अपडेट हुजे ए तत्काल लेनदेन अलर्ट के प्राप्त करण जे लाए पंजीकृत हुजे। अगर अवांजो एड्रेस या मोबाइल नंबर चेंज थियो आहे त तुरंत ही बैंक के हिन जी जानकारी दियो। कह अनरिकग्नाइज्ड ट्रांजैक्शन जे मामले में पांजे कस्टमर केयर सा तुरंत संपर्क कयो। वीजा वीबीवी जे पारा एनेबल हिक बी सुरक्षा स्टार के वेरीफाई करण जे लाए खुद के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पासवर्ड जे लाए रजिस्टर कयो। अचो त हाणे ट्रांजैक्शन पासवर्ड के जनरेट या ठाहिण वक्त छा कजे छा न कजे जे बारे में जानू था। पासवर्ड में घट 8 अखर होजन ए वधिक 16 अखरन जो होण खपे। पासवर्ड के कामयाब ठाण लाए कहें भी अंग अखर ए वर्ण जो मिलाप होण घुर्जे। जीअं त इन में घट 3 अंग अखर होण घुर्जन या इन में घट 3 अपर केस वर्ण या कैपिटल लेटर होण घुर्जन या वरी इन में ब अंग अखर ए हिक अपर केस वर्ण माला कैपिटल लेटर ए ब्या होण घुर्जन। पासवर्ड पुराना पासवर्ड या ऑनलाइन बैंकिंग चैनल जे लॉगिन आईडी वांगुर न होण घुर्जे। इन का सवाय ही पोयन छन लगाईता बदलियल पासवर्ड वांगुर भी न होण घुर्जे। पासवर्ड में कोई स्पेशल अखर या उन में खाल न होण खपे। इन में दोहराइंदड़ अखर लगाइता बिन दफन का वधिक न होर घुर्जन ए लगातार अखर टिन का वधिक न होण घुर्जन। हिफाजत जी वजह सा आम तौर ते इस्तेमाल में अचण वारा अखर जी कंप्यूटर इंटरनेट ए बियन के पासवर्ड जे रूप में सेट करण जी इजाजत कोने। रिन्यूअल का पहरियों या कार्ड के कैंसिल करण का पोए कार्ड के 4 हिस्सन में कटे करे सुठी तरह नष्ट करे छड़ियो। अगर पांजे कार्ड जो इस्तेमाल हाई रिस्क कंट्री में कयो आहे त पांजे कार्ड जे कस्टमर केयर सा गालाए मटराए वट। जे कडे कार्ड गुम थी वने थो या चोरी थी वने थो या वरी इन जे पिन जो खुलासो के टे मानू जे सामू थे थो त मेहरबानी करे बैंक जे निमाइंदन के जल्द ही खबर कयो। पांजो क्रेडिट कार्ड कहके भी न दियो चाहे कोई भी पान के कह भी बैंक जो प्रतिनिधि बुधाए। कहके भी पांजो कार्ड नंबर समाप्ति जी तारीख ए सीवीवी नंबर न बुधायो। पांजे कार्ड जो इस्तेमाल गेमिंग पोर्नोग्राफी लॉटरी जुओ या असुरक्षित भुगतान वारे साइट्स ते न कयो।
एटीएम पिन के कार्ड ते न लिखो। कंहिंखे भी पंहिंजे क्रेडिट कार्ड जो अगली या पिछले हिस्से जी कॉपी न दियो, चाहे कोई भी कारण हुजे। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म ते सिग्नेचर न कयो, जो के एजेंट या बैंक प्रतिनिधि जे पारां पोए भरियो वेंदो। पंहिंजे इंटरनेट बैंकिंग खाते के कंहिं भी असुरक्षित पब्लिक कंप्यूटर ते न खोलजो। पंहिंजे क्रेडिट कार्ड के असुरक्षित वेबसाइट ते इस्तेमाल न कंजो। को भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करण का अग हमेशा मथा एड्रेस बार के नोटिस कयो, जेको HTTP सा शुरू थींदो आहे, ऐं उते हिक क्लोज्ड गोल्डन पैडलॉक हुंदो आहे। कंहिं बि गैर महफूज वेबसाइट ते पंहिंजे कार्ड जो इस्तेमाल न कयो, जंहिंमें लॉक सिंबल न हुजे। ही निशान ज़ाहिर करे थो त साइट तव्हांजे नाज़ुक डेटा जे ट्रांसमिशन जे दौरान हिक इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करे रही आहे। कंहिं बि ईमेल या SMS जे झोल में न फसजो, जेका तव्हांजे क्रेडिट कार्ड जी जानकारी घुरन। कदें भी हुन ईमेल जो जवाब न दींजो जो अवांजी पर्सनल जानकारी ए कार्ड नंबर घुरंदा आहिन, ए बदले में वडी योजनाऊं बुधाईंदा आहिन। हाणे अवी क्रेडिट कार्ड जे बारे में ॾाढो कुझु ॼाणे चुका आयो, त हलो हिन गतिविधि में हिसो वठूं था। USSD USSD जो मतलब आहे अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। हे हर हिक उपभोक्ता जे लाइ नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म NUUP जे पारां प्रदान कई वई हिक कोड *99# सां गॾु बैंकिंग सेवाउनि खे इस्तेमाल करण जी अनुमति ॾींदी आहे। हिन जो इस्तेमाल 5,000 रुपया पर डे ताईं भुगतान करण जे लाइ थींदो आहे। 99NPCI USSD ते मोबाइल बैंक सेवा आहे, जेका बैंकुनि ऐं टेलीकॉम सेवाउनि खे गॾु आणे थी। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सां *99 डायल करे हिकु ग्राहक सभु माली सेवाउनि तां पहुची सघे थो। हीअ सेवा सभिनी GSM सेवा ॾींदड़नि ऐं हैंडसेट ते कम ईंदी आहे। हिन सेवा खे प्राप्त करण जे लाइ असांखे किन शयुनि जी घुर्ज आहे? हिन जे लाइ अव्हां खे बैंक अकाउंट, कोई भी फोन जेको GSM नेटवर्क ते हुजे, ऐं हिक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हुजण खपे। मूं वटि इहो सभु आहे, पर इन सर्विस जी शुरुआत कीअं कयां? पहिरियों पंहिंजे बैंक जी शाखा में वञो ऐं पंहिंजो मोबाइल नंबर पंहिंजे बैंक अकाउंट सां लिंक कयो। जल्दी तव्हां खे UPI पिन या UPIN मिलंदो, जंहिंखे अव्हां खे यादि रखणो पवंदो। इहो ॾाढो सवलो आहे, मां इन जी शुरूआत जल्दी ई कराईंदुसि। यादि रहे, NUUP सेवाउनि ते फी लॻंदी, हालांकि ट्राई हर ट्रांज़ेक्शन जी वधीक सीमा 1.50 रुपया तय कई आहे। काई बि एग्ज़ेक्ट चार्ज लाइ गडि॒यल टेलीकॉम सेवा ऑपरेटर सां राब्तो यानी संपर्क करे सघिजे थो। छा अवी USSD जो लाभ ॿुधाए सघो था? हा बिल्कुल, USSD साधारण ऐं इस्तेमाल करण में आसान आहे। हे SMS सां वधीक सुरक्षित आहे। हे हर GSM हैंडसेट ते कम कंदो आहे। हिन खे GPRS कनेक्शन जी ज़रूरत न हूंदी आहे। ॾाढो सुठो, पर असां हिन सुविधा खां पैसा कीअं था ट्रांसफर करे सघूं? हे हिकु ॾाढी साधारण प्रक्रिया आहे। पंहिंजे मोबाइल नंबर खे पंहिंजे बैंक खाते सां जोड़ियो। पंहिंजे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सां *99 डायल कयो।
ओके जे इंदे ई एक वेलकम विंडो खुलंदी आहे, ओके ते क्लिक कयो, तवां के अलग अलग बोलियन जी विंडो मिलंदी, उन ते क्लिक करे पेंजी बोली चूंडियो। बैंक तफसील अख्तियार यानी ऑप्शन वारो एक विंडो खुली वेंदो, जैमें जरूरी डिटेल्स दर्ज कयो। इन खां अलावा तवां के डिनल अख्तियार जे भरसा गडियल नंबरन के दबाए पेंजे बैंकिंग ऑप्शन के चूंडणो पवंदो। पोए पेंजो रेफरल कोड दर्ज करे तवी हिक दबाए हिन वेंडो के छडे सगो था एंड सेंड ऑप्शन ते क्लिक करे सगो था। हाणे तवी पेंजे मुताबिक पैसा मोकलण जो ऑप्शन चूंडियो। उन खां पोए जंहिंखे फ़ाइदो मिलणो आहे उहो IFSC कोड दर्ज करे ऐं वरी ॿिए विंडो में पंहिंजे खाते जो नंबर दर्ज करे, वरी उन रक़म यानी राशि खे दर्ज करे जंहिंखे अवी ट्रांसफर करणु चाहियो था। आख़िर में ट्रांज़ेक्शन पूरो करण लाइ पंहिंजो UPI पिन दर्ज कयो। AEPS जो अर्थ आहे आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। हे सेवा एक बैंक ग्राहक के आधार जो इस्तेमाल पांजे पहचान जे रूप में कराईंदी आहे। संबंधित आधार से जुड़ियल बैंक खाते ए मूल बैंकिंग देण वठण जो अधिकार दिंदी आहे। हे बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट BC/VLE जी मदद खां POS माइक्रो सिस्टम ते बैंक टू बैंक देण वठण जी अनुमति दींदो आहे। इस्तेमाल कंदड़ पांजे खाते के बैंक में पांजे आधार नंबर पारा या वरी BC/VLE जे मदद खां शुरू करे सगे थो। इस्तेमाल करता कहें भी AEPS केंद्र ते बिना कह पिन या पासवर्ड जे काफी देण वठन करे सगन था। हे मजेदार लगे थो। मुखे इन सर्विस के शुरू करण लाए कहड़ी शयुन जी घुर्ज आहे? अवी के खाली ट्रे शयुन जी घुर्ज आहे। अवा कहड़े बैंक सा जुड़ियल आहे हो हिन जी पहचान कराएन जे लाए IIN आहे। आधार नंबर रजिस्ट्रेशन जे दौरान आंगुर जी छाप वठन दी। प्लीज मुखे विभिन्न सेवाओं जे बारे में बुधायो जेका AEPS पारा प्रदान कई वेंदी आहिन। AEPS अलग अलग जे तरह जी ट्रांजैक्शन जे लाए इस्तेमाल थींदो आहे। बकाया राशि जी जानकारी, राशि कढ़ण, राशि जमा करण, आधार सा आधार में फंड ट्रांसफर करण, सही कीमत जी दुकानुन में खरीदारी करण। UPI जो मतलब हुंदो आहे यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस। हे प्रणाली इस्तेमाल करण जे लाए स्मार्टफोन खपंदो आहे। स्मार्टफोन जे माध्यम सां तुरंत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान थींदो आहे। इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS जो एडवांस वर्जन आहे। UPI 24 कलाक फंड ट्रांसफर जी सुविधा दींदो आहे। हे फोन जो इस्तेमाल करे उपभोक्ता जी पहचान के प्रमाणित कंदो आहे। हे सभई 365 डींहं ऐं 24 कलाक कम कंदा आहिन। मां इन सर्विस जो इस्तेमाल कीअं करे सघां थो? हिन सेवा जो लुत्फ माणण जे लाइ अवां खे बस ब शयुनि जी घुर्ज पवंदी। हिक मोबाइल जंहिं में UPI एप्लीकेशन ऐप हुजे ऐं हिक बैंक खातो। प्लीज असां के बुधायो हे कम कीअं कंदो आहे? बेशक हे हिक साधारण 3 steps प्रोसीजर आहे। पहिरियों स्टेप में पंहिंजे बैंक जो UPI ऐप डाउनलोड कयो। हुन खां पोए पंहिंजो नालो या फोन नंबर विझी करे वर्चुअल ID ठाहियो ऐं पंहिंजे खाते जे विवरण में विझी करे रजिस्टर कयो। यादि रखिजो हे प्रक्रिया बस हिक ऐं पहिरीं दफ़ा ई कम कंदी आहे। हाणे ॿिए स्टेप में ख़रीदण वारी शइ खे पंहिंजे कार्ट में विझो, वरी
पेमेंट विकल्प ते वञो ऐं पेमेंट थ्रू यूपीआई जो चयन कयो। व्यापारी खे पंहिंजो वर्चुअल आईडी प्रदान कयो। थर्ड स्टेप में ऑनलाइन खरीद करण जे लाइ अवां जी मंजूरी घुरंदा आहिनि। हिकु विंडो अवां जे मोबाइल जे यूपीआई ऐप में ईंदी। सुरक्षा पिन दर्ज करण खां पोए सफल भुगतान जी पुष्टि अवां जे फोन ते मोकिली वेंदी। पर छा मूंखे इन सर्विस जे इस्तेमाल लाइ बैंक खाते जी जानकारी ॾियण ज़रूरी आहे? न, उपयोग कंदड़ जो नालो, बैंक खातो नंबर, IFSCI या बैंक शाखा के साझा कराइण जी आवश्यकताउनि खे यूपीआई समाप्त करे छॾियो आहे। हिन डेबिट कार्ड जहिड़ा भौतिक उपकरण जो उपयोग बि खत्म करे छॾियो आहे। नेट बैंकिंग जी मल्टी स्टेप प्रक्रियाउनि जो इस्तेमाल करण जी घुर्ज कोन आहे। हे ॾाढी आसान एप्लीकेशन आहे। हिन खे कोई बि इस्तेमाल करे सघजे थो। हे तुरंत ऐं सुरक्षित प्रमाणिकता प्रदान कंदो आहे ऐं किथे बि शुरू कयो सघजे थो। हे हिकु पूरी तरह कैशलेस डिजिटल समाज जे लाइ रस्तो खोलींदो आहे। चालान जी तरह पैसनि जो अनुरोध मोकिलण जे लाइ हिन जो इस्तेमाल कयो सघजे थो। उपभोक्ता यूपीआई जो इस्तेमाल बिल ऐं स्कूल जी फीस ऑनलाइन भुगतान करण जे लाइ बि करे सघे थो। इन सर्विस जो इस्तेमाल करण लाइ मूंखे कहिड़ी मोबाइल ऐप डाउनलोड करणी आहे? अवी भारत जे राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI जे तहत भीम ऐप डाउनलोड करे सघो था। मोबाइल फोन जे माध्यम सां तेज, सुरक्षित ऐं रिलायबल नकदहीन भुगतान एनेबल करण जे लाइ हिक पहल में भीम ऐप शुरू कई वई आहे। भीम यूपीआई आवेदन ऐं बैंक खातनि सां गॾु अंततः प्रचलित इंटर ओटेबल आहे। छा भीम ऐप जे बारे में मूंखे वधीक ॿुधाईंदा? हा, बिल्कुल। भीम ऐप जे गुणनि में शामिल आहे बैलेंस ऐं ट्रांज़ेक्शन जे तफ़सील जी जांच, QR कोड्स जो इस्तेमाल कंदे पैसा मोकिलण ऐं वठण, 10,000 रुपियनि खां 20,000 रुपियनि ताईं जी रक़म अदायगी जे ट्रांज़ेक्शन जी 24 कलाक इजाज़त ॾियण। चोथों, पेमेंट एड्रेस जे मार्फत सां पैसा मोकिलण ऐं पैसनि जी दरख़्वास्त करण, मोबाइल नंबर ते पैसा मोकिलण या उन लाइ दरख़्वास्त करण। पंजो, मोबाइल नंबर MMID जे मार्फत पैसा मोकिलण। IFSC कोड खाते नंबर जे मार्फत पैसा मोकिलण। छों, रकम अदायगी ऐं स्कैन ऑप्शन खे इस्तेमाल करे मर्चेंट पेमेंट करण। सतों, आधार नंबर ते पैसा मोकिलण। अठों, कैब खाते में फंड ट्रांसफर करण। नौ, पैसा मिलण वारे जो एडवांस रजिस्ट्रेशन ऐं उन खे बैंक खाते जे नंबर जी ज़रूरत न आहे। ॾहों, पैसनि जो ट्रांसफर जल्द ऐं कॾहिं बि। भीम ऐप जी कुझु लिमिटेशन्स आहिनि। हिन वक़्त में रुगो हिकु ई बैंक अकाउंट जोड़े सघिजे थो। रुगो ॿ विर्चुअल पेमेंट एड्रेस या ईंदड़ रक़म अदायगी जी इजाज़त आहे। डिफॉल्ट रूप में पहिरीं VPA अवां जे मोबाइल नंबर सां जुड़ियल आहिनि। असां हिन ऐप जो इस्तेमाल कीअं करे सघूं था? भीम ऐप खे शुरू करण लाइ तव्हां खे कुझु सवलन स्टेप्स जो पालन करणो पवंदो या उन्हनि ते हलणो पवंदो। सभिनी खां पहिरीं गूगल प्ले स्टोर ते वञो ऐं BHIM के सर्च कयो। ऐप सूची मां BHIM ऐप खे चूंडियो ऐं इन खे इंस्टॉल कयो। इंस्टॉलेशन खां पोए भीम शुरू करण लाइ
ओपन ते क्लिक कयो, पोए पेंजी बोली चूंडियो एंड नेक्स्ट बटन ते क्लिक कयो। वरी सब्सिक्वेंट विंडो जे नेक्स्ट टैब ते क्लिक कयो। लेट्स गेट स्टार्टेड बटन ते क्लिक कयो। नेक्स्ट बटन क्लिक करे पेंजो मोबाइल नंबर वेरीफाई कयो, पोए पेंजो पासकोड सेट कयो ए कंफर्म कयो। इन खां पोए सूची मां पेंजो बैंक चूंडियो ए अगे वधण लाए नेक्स्ट क्लिक कयो। पैसा मोकलण लाए असा भीम ऐप जो इस्तेमाल किए कयूं? पेंजो वीपीए या बैंक डिटेल इस्तेमाल करे पैसा मोकलण लाए सेंड ते क्लिक कयो। पाण वारो वीपीए दर्ज कयो, उन खां पोए अकाउंट प्लस आईएफएससी ते क्लिक करे ए वरी पाण वारो खाते जो डिटेल दर्ज कयो। छा असा भीम ऐप जो इस्तेमाल करे भी पैसा वठी सकूं था? हाँ बिल्कुल। पैसा गड करण लाए दरख्वास्त बटन ते क्लिक कयो, पोए उन मानू जो मोबाइल नंबर या वीपीए दर्ज करे जेखा आवी पैसा चायो था, राशि दर्ज करे ए रिक्वेस्ट टैब ते क्लिक कयो। उन खां पोए पेयर या रकम अदायगी करण वारे के पेंजे स्मार्टफोन ते पेमेंट के एक्सेप्ट या रिजेक्ट करण लाए एक नोटिफिकेशन मिली वेंदी। रकम अदा करण वारो रकम अदायगी करण लाए क्यूआर कोड जो इस्तेमाल भी करे सगे थो। पेंजो पिन सेट करण लाए कुछ सवलन स्टेप्स जो पालन कयो। सबने खां अग बैंक अकाउंट ते क्लिक कयो, उन खां पोए सेट यूपीआई पिन ते क्लिक कयो। आखिर में पेंजे बैंक खाते जा डिटेल्स दर्ज करे ए सबमिट कयो। जी हाणे असा यूपीआई जे बारे में जानकारी वरती, अचो हाणे हिन एक्टिविटी में हिस्सो वठूं। ई वॉलेट जो मतलब आहे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। हे एक प्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आहे जो कंप्यूटर या स्मार्टफोन जे माध्यम सा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जे लाए इस्तेमाल कयो वेंदो आहे। ई वॉलेट अवां जे निजी खातन सा जुड़ियल हुजण खपे ताकि अवी भुगतान करे सगो। हिन जो इस्तेमाल क्रेडिट या डेबिट कार्ड जेड़ो ही आहे। ई वॉलेट इस्तेमाल करण लाइ ई वॉलेट के वाधारो देण जे पुठियां हे मकसद आहे कि कागज रहित धन राशि जी देण वठण आसान थी वञे। अचो ई वॉलेट जी विशेषताउन जे बारे में जानियो। ई वॉलेट हिक तरह जो प्रीपेड खातो हुंदो आहे जहन जे पारा उपभोक्ता भविष्य जे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जे लाए धन जमा रखंदो आहे। हे खातो पासवर्ड सुरक्षित हुंदो आहे। उपभोक्ता सौदे जो सामान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इत्यादि में भुगतान जे लाए हिन जो इस्तेमाल करे सघे थो। ई वॉलेट में ब मुख्य कॉम्पोनेंट्स आहिन सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर निजी जानकारियुनि खे स्टोर करे रखंदो आहे ऐं जमा कयल जानकारियुनि खे भी सुरक्षित रखंदो आहे। ऐं बे पासे इन्फॉर्मेशन कॉम्पोनेंट उपभोक्ता जे जानकारियुनि जो डेटा बेस आहे। हिन में हुन जो नालो पतो पेमेंट मेथड भुगतान जी राशि डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स जी डिटेल शामिल हुंदी आहे। इहो सुठो आहे, पर मां ई वॉलेट जो इस्तेमाल कीअं कयां? हे ॾाढो आसान आहे। अव्हां खे बस पंहिंजे फोन में हे ऐप डाउनलोड करणो हूंदो। वरी सभी ज़रूरी जानकारी ॾेई करे साइन अप करणो हूंदो ऐं हुन खां पोए हिकु पासवर्ड मिलंदो। हुन खां पोए अवीं डेबिट या क्रेडिट कार्ड या वरी नेट बैंकिंग जो इस्तेमाल करे पैसा पंहिंजे ई वॉलेट में विझी सघो था। ऑनलाइन खरीदारी खां पोए ई वॉलेट खुद ब खुद भुगतान फॉर्म ते उपभोक्ता जी जानकारी दर्ज करे छॾींदो आहे।
डिजिटल भुगतान थियण सां हे जानकारी डेटाबेस में पाण ही दर्ज ऐं अपडेट थी वेंदी आहे। मुंहिंजो पी हिकु व्यापारी आहे। भुगतान प्राप्त करण जे लाइ असांखे वॉलेट जो इस्तेमालु कीअं करणो आहे? व्यापारियुनि जे लाइ बि पहिरियां टे स्टेप ओड़ा ही आहिनि जीअं उपभोक्ताउनि जे लाइ आहिनि। हुन खां पोइ पाण खे व्यापारी ॿुधायो ऐं भुगतान प्राप्त कयो। वाह, हे त ॾाढो आसान आहे। छा अव्हां मूंखे ॿुधाईंदा ई वॉलेट इस्तेमाल करण लाइ मूंखे कहिड़ी शयुनि जी घुर्ज आहे? हा बिल्कुल, अव्हां खे इन चार शयुनि जी घुर्ज हूंदी। हिकु बैंक खातो, हिकु स्मार्टफोन, 2G, 3G या 4G कनेक्शन ऐं हिकु मुफ़्त ई वॉलेट ऐप। SBI बडी हिकु ई वॉलेट आहे जंहिंखे कुझु सवला कदम खणी डाउनलोड करे सघिजे थो। सभिनी खां अॻु गूगल प्ले स्टोर ते वञो ऐं स्टेट बैंक बडी ऐप खे सर्च कयो। पोइ ऐप डाउनलोड करण लाइ इंस्टॉल टैब ते क्लिक कयो। इंस्टॉलेशन खां पोइ ऐप खोलियो ऐं पंहिंजी ॿोली चूंडियो। पोइ साइन अप करण लाइ पंहिंजो तफ़सीलात दर्ज कयो। उन खां पोइ पंहिंजे रजिस्टर्ड मोबाइल ते नंबर वठी OTP खे दर्ज कयो। पोइ हिकु 4-डिजिट जो पिन सेट कयो ऐं इन खे पको कयो। आख़िर में ऐप जे नियमुनि ऐं शर्तुनि खे मञण लाइ एक्सेप्ट बटन खे चालू करे इन खे सबमिट कयो। पंहिंजो पिन करे लॉग इन कयो। पंहिंजे वॉलेट मां पैसा जोड़ण लाइ यानी एड मनी अख़्तियार ते क्लिक कयो। उहा राशि दर्ज करे जंहिंखे तव्हां पंहिंजे वॉलेट में जोड़ण था चाहियो। रक़म अदायगी जो मोड चूंडियो ऐं कंटिन्यू ते क्लिक कयो। इन खां पोइ तव्हीं पंहिंजे डेबिट कार्ड जो ब्योरो दर्ज करे रक़म अदायगी करे सघो था। जनरेट OTP अख़्तियार ते क्लिक कयो। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ते मिलियल OTP दर्ज करे सबमिट कयो। इन तरह पैसा मोकिलण लाइ सेंड मनी अख़्तियार ते क्लिक कयो। पोइ पाइंदर जे कॉन्टेक्ट नंबर खे दर्ज कयो ऐं कंटिन्यू ते क्लिक कयो। उहा राशि दर्ज करे जंहिंखे तव्हीं मोकिलण था चाहियो ऐं वरी कंटिन्यू ते क्लिक कयो। आख़िर में पिन दर्ज करे ऐं पैसा मोकिलण लाइ कन्फर्म ते क्लिक कयो। ई वॉलेट जो इस्तेमाल कंदे कुझु ॻाल्हियुनि ते वीचार करणु ज़रूरी आहे, जीअं त मोबाइल सलामती लाइ पासवर्ड ऐं पैटर्न लॉक जो इस्तेमाल कयो। कंहिं सां गॾु पंहिंजे ई वॉलेट एतबार पत्र यानी क्रेडेंशियल खे कंहिं सां हिसेदारी न कयो। पंहिंजे ई वॉलेट में वधीक अमाउंट बि लोड न कयो। कई मर्चेंडाइज़िंग स्टोर हाणे बि ई वॉलेट खे क़बूल नथा कनि। साइबर सिक्योरिटी। डिजिटल सर्विसेस जीअं त कार्ड, मनी ट्रांसफर ऐप, ई बैंकिंग सहूलियत जो इस्तेमाल कंदे वक़्तु तव्हां जी पंहिंजी जानकारी या डेटा जी हिफ़ाज़त लाइ साइबर सिक्योरिटी जो मक़सदु आहे। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम ऐं डाटा जे अनऑथोराइज़्ड एक्सेस या अटैक सां
गडियल हिफाज़त जी टेक्निक आहे जैन जो मकसद जबरदस्ती कम वठण आहे। आईसीटी जे इस्तेमाल में साइबर सिक्योरिटी आत्मविश्वास ए हिफाज़त जी अदावत करे थी। तय करे सूचना समाज यानी इंफॉर्मेशन सोसाइटी पारा विश्वास पक्को कयो वने। इन जो मकसद खतरन ए कमजोरियन के घट करण या उनके रोकण आहे ए वाक्य जो उबतो असर रिकवरी डेटा एश्योरेंस लॉ इन्फोर्समेंट सैन्य ए खुफिया ऑपरेशन जी हिफाजत लाए नीतियन में जगह रखण आहे। साइबर सिक्योरिटी सजी दुनिया में करीब सभी शहरियन के व्यवहारिक तौर ते टच करे थी। ही इंसानी वाधारे सा गड सूचना समाज इंफॉर्मेशन सोसाइटी में बेहतर जोड़े रखण में खुलियल मौको दियन था। ही ज्ञान खुलियल ज्ञान गड नीतियन ए राजनीतियन जे वाधारे में भी हिमायत कन था। साइबर सिक्योरिटी जे कुछ छा कजे या छा न कजे डूस एंड डोंट्स आहिन जेके असांखे भी एक्शन करण वक्त खबरदार रहण लाए याद रखण घुर्जे। पहरियों ही पक कजे त जडे तवा के वायरलेस कनेक्शन सा कनेक्ट आयो त तवा मुनासिब नेटवर्क सा कनेक्ट थी रहे आयो न त SSID जे रूप में मन्यो वेंदो आहे। ये न मंजे छोजे नालो एड़ो लगी सगे थो जो कह ट्रस्टेड सोर्सेस सा अची रहे आहे। बियो एड़े पासवर्ड जो इस्तेमाल कजे जै में अपर केस लोअर केस लेटर्स ए खास वर्ण आहिन। सुन्यातल नालो या अंग अखर जो इस्तेमाल न कन जीअं तवां जे खानदान जा मेंबर जन्म ॾींहुं या बिया। टियों बीणो यानी ड्यूअल या घणई कारक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो फ़ाइदो ज़रूर खणो। मिसाल तौर कई वेबसाइट हाणे रुगो हिक यूज़र नेम ऐं पासवर्ड सां अलॻि अहिड़ा पेश यानी ऑफर ॾींदा आहिनि जीअं स्मार्ट कार्ड पिन या एतरे कदुर इस्तेमाल कंदर गोलियल सिक्योरिटी इमेजेस जेको त लॉगिन ते सुञाणींदा आहिनि। जॾहिं ॿिया अख़्तियार मौजूद आहिनि त रुगो यूज़र नेम ऐं पासवर्ड जो इस्तेमाल न कजे। चोथो पासवर्ड जी हिकु फहिरिस्त संभाले रखजे ऐं उन खे घटि में घटि क्वार्टरली बेसिस ते यानी हर टे महीने मटिजे। हिकु ई पासवर्ड खे घणे वक़्त ताईं न रखजे। पंजो पंहिंजो कॉर्पोरेट पासवर्ड पंहिंजे निजी पासवर्ड सां अलॻि रखजे। पंहिंजे निजी पासवर्ड लाइ पंहिंजी कंपनी जो पासवर्ड इस्तेमाल न कजे या वरी उन जो उबतो। छह पक कजे त तव्हां जो कंप्यूटर लेटेस्ट पैचिस ऐं वायरस सिग्नेचर सां भरियल हुजे। ईअं न मञे त वायरस जो पतो लॻाइण वारो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ते हमेशह ई कमु कंदो आहे। सतो नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा अपलोड करण ऐं हिसेदारी करण लाइ क्लाउड डेटा सिस्टम जो इस्तेमाल कजे। पंहिंजी गैर मौजूदगी में पंहिंजे निजी कंप्यूटर जो इस्तेमाल दोस्तन कुटुंब जे मेंबरनि ऐं साथियुनि पारां करण ते भरवसो कॾहिं न कजे। अठो पंहिंजे डाटा जो बैकअप रिमूवेबल मीडिया में करे कंहिं सोगी जॻहि ते रखजे। ईअं न समझजे त तव्हां जो डाटा खे मेंटेन ऐं संभाले रखण जी ज़िमेदारी ॿी कंहिंजी आहे। नाओ पंहिंजा ईमेल्स सावधानी सां ऐं पके तौर ते कयो त सोर्स हेड कंहिं
वैलिड एड्रेस सां हुजे। पंहिंजे कंप्यूटर में मेलवेयर लोड करण वारी मलिशियस यानी गलत वेबसाइट जे लिंक ते क्लिक करण खां बचजे। ॾहो, हिक इज़त वारी साइबर सिक्योरिटी फर्म सां गॾु रिश्तो ठाहिजे। पंहिंजी कंपनी खे इंटरनेट ते हिफ़ाज़त सां रखण लाइ नीतियुनि ऐं अमलान ते पहिरीं खां ई चर्चा करे छॾिजे। सलाह वठण लाइ कंहिं